हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपना अकाउंट ICICI बैंक में कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आ सकते हैं। इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये अकाउंट का जो खोलने का एज है 18 साल मिनिमम में और मैक्सिमम एज 35 साल के बीच में ये अकाउंट को खोला जा सकता है। ये अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है और भी आप नीचे इसके बेनिफिट के बारे में देख सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आप ब्रांच के साथ रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके के नीचे आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वन टाइम का पासवर्ड यानी OTP डालना है। तो चलिए मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इस वाले बॉक्स में आपका अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का नंबर भी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है फ्रेंड आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे आपको फ्लिप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड। तो मैं सिंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है, आप प्रोफेशनल है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है या डिपेंड है। तो मैं डिपेंड को सिलेक्ट करके स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। आपका इनकम जो है बिजनेस से आता है या फार्म फ्रॉम फैमिली से आता है या एग्रीकल्चर से या जिस भी से आता है। मेरा फिलहाल अदर्स हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो क्यू फैशन में आपको सिलेक्ट करना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। तो मैं फिलहाल ग्रेजुएशन हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई आता है तो सिलेक्ट कर दे, नहीं तो नॉन ऑफ दी ब्लॉक को सिलेक्ट कर दे। इनकम रेंज आपका कितना है वो आप सिलेक्ट कर दे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद जो आपके डेबिट कार्ड पर जो नाम शो होगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी बनाना है या नहीं बनाना है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल अभी नॉमिनी नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको मदर का नाम लिख करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को डालना है। तो चलिए मैं बारी बारी से डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, आप किस सिटी में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस सिटी ऑफ बर्थ यानी आप किस सिटी में पैदा हुए थे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया में टैक्स पे करते तो इसको यस रखेंगे, अगर आप किसी और देश में टैक्स पे करते इसको आप नो रखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट समरी आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना फोटो, नेम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंस लगता है इसको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप वेट करेंगे। उसके बाद आपको वीडियो KYC के रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो वीडियो कल बैंक के द्वारा आ चुका है, आगे का प्रोसेस मैं अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता हूँ।
उसके बाद आगे कुछ नहीं है। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी हो जाने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से केवाईसी हो जाएगा, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपका एटीएम कार्ड और पासबुक चेकबुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है सक्सेस हो चुका है, मैं वीडियो केवाईसी के थ्रू अभी अपना वीडियो केवाईसी कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको सक्सेस का लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा।